नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। मैं विवेकानंद यादव। हमने आपको देश के कई राजनीतिक न्यूज और कई तरह का न्यूज देने का प्रयास किया। अब चुनावी समय है, 100 दिन लगभग चुनाव होने का रह गया। जब चुनाव आयोग से तिथि घोषित कर दी जाए लोकसभा चुनाव का, अभी विपक्ष हो या पक्ष हो, हर राजनेता अपने अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं। लेकिन आपके और हमारे बीच में यह प्रश्न है कि 5 साल मोदी जी का कार्यकाल पूरा होने वाला है, लेकिन क्या मोदी जी ने आम जनता को कुछ दिया या केवल आशा और उम्मीद ही लोगों के बीच में बांटने का प्रयास किया? तो मैं कुछ आंकड़ा आपको बताना चाहता हूं, जिस आंकड़े से आपको ऐसा लगेगा कि मोदी जी के कार्यकाल में बहुत अच्छा की उम्मीद की गई, लेकिन बहुत ज्यादा खराब लोगों के लिए हो गया। 4 साल के अंदर में 35 लाख नौकरियां लोगों की छीन ली गई, यानी कि 4.5 साल में भारत के नवयुवकों को, लोगों को नौकरी विहीन 35 लाख लोगों को किया गया। और आपको यह पता है कि गुजरात में वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि उस मूर्ति को लगाने के लिए जो प्रचारित किया गया 2.64 करोड़ रुपया केवल विज्ञापन में मोदी जी और भाजपा सरकार ने खर्च किया। अब आपको देखना होगा कि जनता के खजाना के पैसे को निकाल कर केवल एक मूर्ति को लगाने में आप खर्च करते हो करोड़ों के लागत में, और एक तरफ आप नौकरियां लोगों का छीनते हो। दूसरी बात, मोदी के कार्यकाल को संभालते वक्त 49% कर्ज था भारत पर, आज मोदी जी के कार्यकाल पूरा होने को है 82 लाख करोड़ का कर्ज को पार कर लिया मोदी जी ने। कहने का तात्पर्य है कि जो कर्ज पहले था उस कर्ज में 49% का इजाफा हुआ, मतलब 82 लाख करोड़ रुपया मोदी जी के कार्यकाल में भारत पर कर्ज बढ़ा है। अन्य सरकार से 49% कर्ज की वृद्धि हुई है, जबकि मैं आपको बता दूं कि 10 लाख देश में 10 लाख आदिवासियों की जमीन छीन कर पूंजीपतियों के हवाले कर दिया गया इस भारत में, यह भी आपको आंकड़ा पता नहीं होगा। मैंने आपको बताया देश के आदिवासियों की जो संख्या है उसमें 10 लाख आदिवासियों की जमीनें छीनकर कल कारखाना लगाने के लिए पूंजीपतियों को दे दी गई। तो हमें खेती की जमीन भी देनी पड़ी सरकारी दबाव में आकर। और एक और रिपोर्ट भारत सरकार के खिलाफ आया है कि भारत सरकार के 19 मंत्रालयों में 1179 करोड़ की चपत लगा दी गई है। मेरा कहने का तात्पर्य है दोस्तों, यहां भी आपको पता हो कि लाल किला को निजी लोगों के हाथों
दे दिया गया। अब देश के बड़े बड़े हवाई अड्डा को निजीकरण करने की बात चल रही है, यानी कि जो हवाई अड्डा है वो निजी लोगों के हाथों में दी जाएगी। तो हमने आपको कुछ आंकड़ा दिया जो मैं उपलब्ध कर सका। चुनाव सामने है, घोषणा होने वाली है, कभी भी लोकसभा चुनाव की तिथि सामने आएगी। यह आंकड़ा हमने आपको दिया, विज्ञापन में खर्च, नौकरियां छीनी गई, निजीकरण में डाली जाने की बात चल रही है, कई तरह का रिपोर्ट आया, और भी रिपोर्ट आया जो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध होगा तो मैं वो भी बताऊंगा। लोग नौकरी के लिए परेशान हैं, शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ चुकी है, नौकरी नहीं दी जा रही है, किसानों को सुविधा नहीं दी जा रही है, आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, भारत पर कर्ज बढ़ रहा है और काला धन लाया नहीं गया, जीएसटी लाद कर एक कर नहीं करने के बजाय देश में लोगों के ऊपर महंगाई लाद दी गई, नोटबंदी की गई लेकिन काला धन नदारद। नोटबंदी इस देश का बहुत बड़ा घोटाला है, जिस घोटाला को उजागर आज न कल होना पड़ेगा। भारत के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में सपने बांटे गए, सपने दिखाए गए, पूरा नहीं किए गए। चूंकि चुनाव का वक्त है, विपक्षी पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर बदनाम करने की परिपाटी चल रही है, भाजपा को केवल कांग्रेस और महागठबंधन दिखाई पड़ता है, भाजपा को अपने अंदर की खामियां नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि वो अहंकार में डूबे हुए हैं। लेकिन हमने आपको रिपोर्ट दिया, हमने आपको आंकड़ा बताया, विज्ञापन में खर्च किया जाता है लेकिन जमीनी काम नहीं होता, हवाई अड्डा को निजीकरण के हाथों में दिया जाएगा, रेल को निजीकरण की ओर धकेल दिया गया, बिजली को निजीकरण की ओर धकेल दी गई, नौकरियां है नहीं। एक सर्वे के अनुसार यह भी सामने आया है कि इन चार साल में बहुत सारे बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई, केवल 35 लाख नौकरियां छीनी गई और जो नौकरियां निकलनी थी वो नहीं निकाली गई, तो बेरोजगारी स्वतः बढ़ गया। इसी प्रकार हमारे देश में हमें छलने सब आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, हमें प्रलोभन देते हैं, धर्म की आड़ में हमें बहकाते हैं, हमें मंदिर मस्जिद दिखाया जाता है, हमें जात पात में बांटा जाता है, हमें छोटा बड़ा कहा जाता है और छोटा बड़ा की दूरियां दिखाई जाती है। लेकिन हम सबको बटना नहीं है, हम सबको 4 साल से 5 साल के अंदर के कार्यकाल की समीक्षा करनी है। जिस कांग्रेस पर आरोप भाजपा लगाती है कि कुछ नहीं किया, चोरी किया, तो आजादी के बाद अब तक भारत में जितने भी विकासात्मक कार्य हुए किसने किया? भारत के अंदर जितने पुल, पुलियां, सड़क और अस्पताल और स्कूल या कॉलेजेज बने हैं, फैक्ट्रियां लगी है, किसके कार्यकाल में लगी? कांग्रेस के कार्यकाल में लगी। बीच बीच में कोई साल दो साल के लिए आए, उसकी कोई उपलब्धि नहीं है, उपलब्धि कांग्रेस सरकार की है। आपने 4.5 साल में क्या किया, यह आपको जांचना है कि 70 बनाम 4.5, इसका तुलना करके देख लें, फिर किसी के बात पर भरोसा करें। मैं एक वक्ता हूं, मैं आपको बता दिया, जानना सोचना आपका काम है, फिर मुलाकात होगा, मैं और भी बात बताऊंगा। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।